الله محمد رسول الله لا اله الا 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 الله محمد رسول الله انت الرحمن يا الله انت الرحيم يا الله انت السلام يا الله انت العزيز يا الله انت القدوس يا الله انت الجبار يا الله انت الغفور يا الله انت الغفار يا الله انت العليم يا الله انت القهار يا الله انت المعطي يا الله انت الوهاب يا الله انت الشاكر يا الله انت الحميد يا الله انت الواحد يا الله انت الجميل يا الله لا اله الا الله محمد رسول 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 الله انت الرزاق يا الله انت السميع يا الله انت الفتاح يا الله انت البصير يا الله انت المنان يا الله انت اللطيف يا الله انت الجواد يا الله انت الخبير <سؤال> يا الله انت الحليم يا الله انت الشكور يا الله انت العظيم يا الله انت الودود يا الله انت الرقيب يا الله انت القريب يا الله انت الكريم يا الله انت الكبير يا الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله انت الباسط يا الله انت الحفيظ يا الله انت البارئ يا الله انت المقيت يا الله انت القاهر يا الله انت الحسيب يا الله انت الشافي يا الله انت المبين يا الله انت الحكيم يا الله انت المجيد يا الله انت الشهيد يا الله انت المليك يا الله انت الوكيل يا الله انت القيوم يا الله انت المتين يا الله انت السبوح يا الله لا اله الا الله محمد رسول 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 الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم

कि अल्लाह सुबहान के नामों के बारे में जानना क्यों जरूरी है जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी की पहचान के लिए उसका नाम जानना जरूरी होता है आम रोजमर्रा जिंदगी में भी हम देखते हैं कि किसी भी चीज के साथ खूबसूरत ताल्लुक खूबसूरत मामला और उसकी खूबसूरत पहचान उसी वक्त होती है जब हमें उसका नाम मालूम होता है अल्लाह सुबहान तला ने आदम अल्लाम को पैदा करने के बाद सबसे पहले उन्हें तमाम चीजों के नाम सिखाए थे ताकि जिस दुनिया में वो भेजे जा रहे हैं उस दुनिया से वो सही तौर पर फायदा उठा सकें इंसानों में से भी हम किसी इंसान के साथ बेहतर मामला उसी वक्त करते हैं जब हम उसको अच्छी तरह पहचानते हैं किसी भी ताल्लुक में जितनी अच्छी पहचान होती है दूसरे की शख्सियत के बारे में जितना ज्यादा हम जानते हैं उसके साथ फिर उसी के लेवल और उसी के दर्जे के मुताबिक हम उसके साथ मामला करते हैं और फिर मामले में आसानी भी होती है काम भी आसान होते हैं और जिंदगी खुशगवार होती है यह तो था ताल्लुक चीजों के साथ हमारा या इंसानों के साथ हम पर सबसे बड़ा हक हमारे रब का है जिसने हमें पैदा किया जो हमें रिस्क देता है जिसकी तरफ हमें वापस लौट कर जाना है उसके साथ हमारा ताल्लुक उसी वक्त दुरुस्त हो सकता है जब हम उसको पहचानते हों, और उसकी पहचान के लिए उसके नामों को जानना उसकी सिफात को जानना बेहद जरूरी है अल्लाह सुबहान तला ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है इस इबादत का हक उस वक्त तक अदा ही नहीं हो सकता जब तक हम अपने माबूद को यानी जिसकी हम इबादत करते हैं उसको जानते ना हो हम उस पर ईमान रखते हैं लेकिन ईमान उस वक्त तक कामिल नहीं हो सकता जब तक हम उसको जानते ना हो जिस पर हम ईमान रखते हैं तो इसलिए हम सबके लिए बेहद जरूरी है कि हम अपने खालिक और मालिक को पहचाने और उसकी पहचान के लिए उसके नामों को जानना उसकी सिफात को जानना बेहद जरूरी है अल्लाह सुबहान ताला पर ईमान उसके तकाजे उसी वक्त पूरे हो सकते हैं जब हम उसकी सिफात को जाने अल्लाह सुबहान ताला पर ईमान के जो अरकान है उनमें से एक उसके वजूद पर ईमान है दूसरे उसकी रुबूबियत पर ईमान है तीसरे उसके असमा और सिफात पर ईमान है यानी हम ये जाने कि के अल्लाबहान कौन है हम यह जाने कि वो कैसा रब है हम यह जाने कि उसके कैसे नाम है और उसकी कैसी सिफात है और वैसे भी जब हम उसको एक मानते हैं यानी हम उसकी तोहहीद पर यकीन रखते हैं तो यह तोहहीद भी उस वक्त तक सही मानों में उसका हक अदा नहीं हो सकता जब तक कि हम उसको पहचानते न हो खुद अल्लाह सुबहान तला ने कुरान मजीद में अपने बारे में अपनी पहचान कराई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह सुबहान तला की पहचान मुख्तलिफ नामों के जरिए करवाई है अल्लाह सुबहान तला फरमाते हैं ओलिल्लासमा उल हसना फदू बिहा और अल्लाह के लिए है अच्छे अच्छे नाम तो उसको उन नामों के जरिए पुकारो उससे दुआ करो यानी अगर हम उसके सामने अपनी हाजात रखेंगे तो किस तरह रखेंगे जाहिर है उसको पुकार कर और किस तरह पुकारेंगे उसके नामों के साथ ही मसलन जब हम बख्शिश चाहें तो क्या कहेंगे या गफूर इक फिर ली बहुत ज्यादा बख्शिश फरमाने वाले तू मुझे बख्श दे अगर हम अपने लिए हिफाजत और प्रोटेक्शन चाहेंगे तो उसके नाम या हफीजों के साथ पुकारेंगे अ हिफाजत करने वाले तू मेरी हिफाजत फरमा जब हम अपने लिए रहमत चाहेंगे तो कैसे पुकारेंगे या रहीम रहमनी, नहीं रहमत फरमाने वाले तू मुझ पर अपनी रहमत फरमा इसी तरह उसके नामों के साथ उसको पुकारना उसकी इबादत भी है और इबादत किस तरह कि उन नामों को जानकर फिर उसके साथ जो हमारा दुरुस्त ताल्लुक होगा उसका हक हम किस तरह अदा करेंगे इस हक को अपने ऊपर पहचानना अपने बारे में जानना और उसके मुताबिक उसके साथ मामला करना इधर दरअसल उसकी इबादत का बेहतरीन तरीका है मसलन जब एक इंसान गुनाह करता है और वो अल्लाह सुबहान ताला की तरफ पलटना चाहता है माफी मांगना चाहता है तो जब तक वो ये नहीं जानता कि उसका रब बहुत ज्यादा माफ करने वाला है तोबा कबूल करने वाला है तो वो तोबा किस तरह करेगा किस किस्म की तोबा करेगा इसी तरह अगर इंसान अपनी जबान से अपने रब का जिक्र करता है तो जब तक वो ये नहीं जानता कि रब सुनता है तो वो जिक्र क्यों करेगा और वो किस किस्म का जिक्र करेगा हाँ जब वो जान लेगा कि उसका रब बहुत ज्यादा सुनने वाला है वो न सिर्फ ये कि हमारी जाहिररी आवाजों को सुनता है बल्कि वो हमारे दिल के अंदर उठने वाले ख्याल तक और अंदर की सिस्कियों तक को सुनता है फिर इसी तरह जब हम आम रोजमर्रा जिंदगी में कोई अमल करें तो हमारे अमाल को चुके वो देखता है तो अगर हम ये जानते हो कि वह अलबसर है देखने वाला है तो यकीन हमारा तर्ज अमल बदल जाएगा इसी तरह अगर हम ये जानते हो कि वो हमारे दिल के अंदर उठने वाले ख्याल और बसवसों तक को जानता है तो यकीनन हम उसके अलतीफ होने पर यकीनी तौर पर ईमान रखेंगे तो बहरहाल अल्लाह सुबहान साथ जिंदगी के हर हर मामले में हर हर लम्हे में हर हर मौके पर उसी वक्त ताल्लुक दुरुस्त हो सकता है जब हम उसकी सिफात को उस मौके की मुनासबत से जानेंगे और पहचानेंगे फिर यह भी याद रखिए कि इस इल्म का हासिल करना तमाम उलूम से ज्यादा जरूरी है क्योंकि अल्लाह सुबाना का हक हम पर सबसे ज्यादा है और उसका हक अदा करने के लिए उसकी पहचान जरूरी है और उसकी पहचान के लिए इल्म हासिल करना जरूरी है कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इलाह जान लो कि उसके सिवा कोई इलाह नहीं मगर वही गोया, उसके एक इलाह होने को जानना और उसको समझना भी जरूरी है और इस समझ के लिए हमें कुरान-सन्नत के मतलब की जरूरत है क्योंकि अल्लाह सुबहाना के हकीकी नाम खुद अल्लाह सुबहान तला के सिवा कोई नहीं बता सकता उसने वही के जरिए अपने नाम और अपनी सिफात का जिक्र कुरान मजीद में किया और अपने नामों के बारे में खुद रसुल्ला को बजरिया वही इल्म अदा किया इसलिए अगर हम वाकई उसको जानना चाहते हो तो हमारे लिए ये दो बड़े यानी कुरान और सुन्नत का मतला जरूरी है तो इनशाला हम अपने इस प्रोग्राम में अल्लाह अल्लाबानो ताला के इन खूबसूरत नामों की पहचान कुरान सुन्नत के जरिए आपके सामने रखेंगे ताकि हम अल्लाह का हक सही तौर पर अदा कर सकें और अगर हम उसका हक अदा करेंगे तो वो हमसे राजी होगा और अगर वो हमसे राजी होगा तो ही हमारे लिए कामयाबी और निजात की राह खुलेगी जैसा कि अर्ज किया कि अल्लाह सुबहाना की वहदानियत को जानने के लिए भी खुद अल्लाह सुबहान तला ही की तरफ रुजू करना पड़ेगा जिसके बारे में अल्लाबहान ने खुद हुक्म भी दिया इसी तरह रसुल्ला ने फरमाया जो शख्स इस हाल में फौत हुआ कि उसे इल्म था कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद बरहक नहीं तो वो जन्नत में दाखिल होगा गोया जन्नत में दाखिले के लिए भी जरूरी है कि उसके एक होने के बारे में सही इल्म हासिल किया जाए और अगर ये इल्म होगा तो यकीनी तौर पर उस इल्म के मुताबिक इंसान का अमल भी बदलेगा और वो वैसा ही होगा अमल पर जो रब को राजी करने वाला होगा फिर इसी तरह ईमान में इजाफे के लिए भी जरूरी है कि इंसान अल्लाह सुबहाना के असमाओ सिफात को जाने इंसान का ईमान जिस दर्जे में बढ़ता है उसका अमल उसी दर्जे में खूबसूरत होता है क्योंकि उसकी पहचान जितनी ज्यादा होगी उसका एहसास दिल में जितना ज्यादा गहरा होगा उसी एतबार से इंसान की इबादत के अंदर हलावत पैदा होगी उसमें लुत्फ पैदा होगा और इंसान जान के साथ दिल के नशात और सुरूर के साथ अल्लाह सुबहानुता के आगे झुकेगा मसलन आमतौर पर हम उसकी इबादत करते हैं नमाज पढ़ते हैं बहुत से लोगों के लिए नमाज एक बहुत भारी काम होती क्यों इसलिए कि वो रब को जानते ही नहीं वो पहचानते नहीं वो उसकी कदर नहीं पहचानते इसलिए नमाज उनके लिए बस एक मकैनिकल अमल होती है कुछ चंद हरकत का नाम होती जिसको वो अपने रोज़मर्रा के स्केज में से वक्त निकाल कर उस मखसूस वक्त में उसके हजूर हाजिर होने को एक बहुत मुश्किल काम समझते हैं लेकिन जो इंसान अल्लाह तला को पहचानता हो कि वो कौन है कितनी अजीम हस्ती है और उसकी अजमत उसके दिल में जागुजी हो जाए तो फिर हो नहीं सकता कि उसका दिल उसकी इबादत की तरफ खींचा ना चला जाता हो इंसान की आम कमजोरी है कि जिस चीज को भी वो अहमियत देता है जिस चीज के अंदर वो अपना फायदा समझता है उस चीज की तरफ बगैर किसी के कहे भी खिंचता चला, चला जाता है दौड़ता चला जाता है मसलन दुनिया में हम देखते हैं कि हम इंसान को माल से मोहब्बत है तो जहां उसको मालूम होता है कि उसे माल हासिल होगा वो किसी को कहने की जरूरत नहीं होती इंसान खुद दौड़कर उन रास्तों उन जगहों पर पहुंचता है जहां से उसको माल हासिल होता है इसी तरह अगर किसी इंसान को दुनिया का कोई इल्म चाहिए कोई डिग्री चाहिए तो वो पूरी कोशिश करता है कि उसे किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में दाखला मिले किसी ऐसी जगह पर वो चला जाए कि जहां उसकी मर्जी के मुताबिक उसे इल्म हासिल हो सके किसी के कहने पर और किसी के उभारने पर वो उस तरफ नहीं चलता बल्कि वो खुद अपने दिल के शौक और मोहब्बत के साथ और अपनी तलब और तड़प के साथ उस रास्ते पर चलता है इसी तरह इंसान को दुनिया में जिस भी चीज की चाहत होती है वो उसके लिए राहें निकाल लेता है तो जब इंसान को अल्लाह सुबहान तला की पहचान हो जाती है तो फिर अल्लाह सुबहान की तरफ जाने और उसकी इबादत करने और उसके आगे झुकने में इंसान को मुश्किल पेश नहीं आती हकीकत यह है कि अल्लाह की पहचान दिलों के इतमान का सबब है अल्लाह की पहचान रूह के तजिए का जरिया है अल्लाह की पहचान इबादत में लुत्फ का जरिया है इसलिए इन नामों को जानना उसकी सिफात को जानना बेहद जरूरी है फिर यह कि हम सब बहसियत मुसलमान ये बात जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा वाह खल जिन अल्लाबुदून कि मैंने इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है मुजाहिद कहते हैं कि इल्ला अलाबुदून का मतलब है इल्ला अल्लाफून कि वो मुझे पहचाने यानी इबादत की भी असल रूह क्या है अल्लाह की पहचान और जैसी पहचान होगी जैसी मारिफत होगी ऐसी ही उसकी जात पर यकीन और उस पर एतमाद होगा और जैसा यकीन और एतमाद होगा उसी के मुताबिक उसकी तरफ रुजू होगा इंसान की जिंदगी में मुख्तलिफ तरह के उतार चढ़ाव आते रहते हैं कोई भी दो दिन एक जैसे नहीं होते कभी इंसान का दिल खुश होता है और कभी उदास होता है कभी वो किसी खौफ की हालत में होता है और कभी किसी गम की हालत में होता है अगर देखा जाए तो इंसान की जिंदगी के कोई भी दो दिन बराबर नहीं होते एक दिन अगर इंसान खुश है तो दूसरे दिन उदास होगा एक दिन खौफ की हालत में है तो दूसरे दिन गम की हालत में इंसान की ये बदलती हुई कैफियत बाजुकात खुद उसके अपने कंट्रोल में भी नहीं होती ऐसे में इंसान अपने आप को इंतहाई कमजोर महसूस करता है और उसको किसी बड़े सहारे की जरूरत होती है आमतौर पर इंसान फिर किसका सहारा लेता है अपनी किसी भी ऐसी तकलीफ मजबूरी और कमजोरी की हालत में वही जो उसको सामने नजर आता है हालांकि उससे बड़ा सहारा मौजूद है लेकिन वो उसको जानता नहीं वो उसको पहचानता नहीं लेकिन अगर इंसान वाकई अल्लाह की मारिफत रखता हो अल्लाह की पहचान रखता हो तो वो सिर्फ जाहरी सहारों पर पूरा भरोसा करने की बजाय हकीकी मानों में उसका सहारा पकड़े जो कभी भी टूटने वाला नहीं कभी भी खत्म होने वाला नहीं जब इंसान अल्लाह को पहचानता है तो फिर उसकी दुआ उसके दिल की गहराइयों से निकलती है पूरे यकीन के साथ और जो दुआ जितने यकीन के साथ इंसान मांगता है उसकी कबूलियत का दर्जा उतना ज्यादा ही बढ़ जाता है फिर इसी तरह अल्लाह सुबहान तला ने खुद कुरान मजीद में इन नामों का वास्ता देकर इन नामों के जरिए दुआ करने के लिए कहा है फल असमाउल फदूह बिहा लेकिन ये नाम महज नाम नहीं है दुनिया में तो बहुत सी चीजों के नाम सिर्फ नाम होते हैं वो उनकी पहचान नहीं होते ये नाम जो कि उसकी पहचान का जरिया है इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, ही हलता रब है आसमानों और जमीन का और उन दोनों के दरम्यान की चीजों का सो उसकी इबादत करो और उसकी इबादत पर खूब जमे रहो क्या तुम उसका कोई हम नाम जानते हो यानी उसके सिवा कोई और ऐसा है कि जिससे तुम दुआ करोगे जिसको तुम पुकारोगे जो हकीकी मानो में तुम्हारी मदद कर सकता हो जो तकलीफ के वक्त तुम्हारी तकलीफ दूर कर सकता हो जो तुम्हारे दिल को थाम सकता हो कोई भी तो और नहीं क्योंकि उसके सिवा बाकी सब तो मखलूक है और सारी मखलूक खालिक के मुकाबले में कमजोर है वो जिसने बनाया और वो जो बनाए गए दोनों बराबर नहीं हो सकते इसलिए इंसान जब अल्लाह ताला को पहचानता है तो फिर हकीकी मानों में उससे टूटकर दुआ मांगता है और इस तरह वो अपने हकीकी मतलूब को पा लेता है और हकीकी मानों में फिर उसे अल्लाह की मदद भी हासिल होती है जो इंसान के लिए ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि उसकी आखिरत में भी बहुत जरूरी है जब बाकी सब सहारे साथ छोड़ जाएंगे जब अपने करीबी प्यारे अजीज रिश्तेदार दोस्त भी काम ना आएंगे उस वक्त वही रब अकेला हम सब का मददगार होगा उनका मददगार होगा जो आज दुनिया में उससे सही तौर पर ताल्लुक कायम करते हैं और अपनी जलबतों और खलबतों में उसको पुकारते हैं जिसके साथ उनका ताल्लुक सिर्फ जबान का ताल्लुक नहीं होता हकी मानों में दिल का ताल्लुक होता है ऐसे लोग दुनिया में चलते फिरते बजा दुनिया के काम काज करते नजर आते हैं लेकिन अपने रब की पहचान की वजह से दिल में हर वक्त उस रब की मोहब्बत महसूस करते हैं रब की मोहब्बत हमारे दिल की गजा है हमारी रूह की गजा है हमारे अमल की ताकत है और हमें इस दुनिया में सही रस्ते पर चलने में मददगार है वो दिल की ऐसी रोशनी है जिसके बगैर सही और गलत का फर्क मालूम नहीं हो सकता रब की पहचान दिलों की वो रोशनी है कि जिसके बगैर इंसान अच्छे और बुरे में सही मानों में तमीज नहीं कर सकता जिसके बगैर वो सही और गलत का फर्क नहीं जान सकता इसलिए जब बंदा अपने रब को पहचानता है तो फिर हर गलती करने के बाद भी उसी की तरफ लौटता है अबू हुरैरा रजी अल्लाह कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है एक बंदे ने बहुत गुनाह किए और कहा ऐ मेरे रब मैंने गुनाह किया तो मुझे बख्श दे अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा जानता है कि उसका कोई रब है मेरा बंदा जानता है इसको मालूम है कि इसका कोई रब है जो गुनाहों को माफ करता है और गुनाह की वजह से सजा भी देता है मैंने अपने बंदे को बख्श दिया फिर बंदा रुका रहा जितना अल्लाह ने चाहा कि वो उस गुनाह से रुका रहे और फिर उसने गुनाह कर लिया क्योंकि इंसान कमजोर है फिर वापस वहीं जा गिरता है जहां से वो उठता है फिर उसने अर्ज किया ऐ मेरे रब तू मुझे माफ कर दे मैंने दोबारा गुनाह कर लिया है मेरे रब मुझे बख्श दे अल्लाह ताला फरमाता है मेरा बंदा जानता है कि उसका कोई रब है जो उसका गुनाह माफ करता है और उसके बदले सजा भी देता है मैंने अपने बंदे को बख्श दिया फिर वो बंदा रुका रहा जब तक अल्लाह ने चाहा उस गुनाह से रुका रहा और फिर गुनाह कर बैठा फिर बंदा दोबारा अल्लाह के हुजूर पलटता है क्योंकि वो जानता है कि उसका कोई रब है जो गुनाहों को माफ भी करता है और गुनाहों पर सजा भी देता है फिर वो रब को पुकारता है रब उसे फिर बख्श देता है अल्लाह ताला फरमाता है मेरा बंदा जानता है उसका रब है जो माफ करता है और सजा भी देता है मैंने अपने बंदे को तीन बार माफ किया बस अब जो चाहे अमल करे यानी जितनी बार भी वो गुनाह करेगा अगर वो मुझे पहचान कर मेरी तरफ पलटेगा और हकीकी मानों में शर्मिंदगी के साथ मुझसे माफी मांगेगा ये जानते हुए कि मैं माफ कर सकता हूं तो मैं उसको माफ कर दूंगा और इसके बगैर चारा भी नहीं ये हो नहीं सकता कि हम बार बार गलती ना करें और अगर हम ये न जानते हो कि हमारा रब बार बार माफ कर सकता है तो फिर इंसान मायूस हो जाएगा और अगर इंसान मायूस हो जाए तो फिर जिंदगी में वो आगे नहीं बढ़ सकता वो तरक्की नहीं कर सकता तो इसलिए बंदे के लिए ये जानना बहुत जरूरी है इस दुनिया और आखिरत की भलाई और कामयाबी फलाह और निजात के लिए कि वो अपने रब के इस सिफत को जानता हो कि वाकई वो बख्शने वाला है तो इसी तरह जो शख्स इन नामों को जान ले उसके लिए जन्नत की खुशखबरी है रसूल ने फरमाया अल्लाह तला के नन्यानवे नाम है एक कम सौ जो शख्स इन सब को महफूज रखेगा वो जन्नत में दाखिल होगा अल्लाह सुबहान तला के नामों को जानने और उसके पहचान के बारे में ये भी याद रखिए कि इन नामों की पहचान सिर्फ दुनिया की कामयाबी का जरिया ही नहीं बल्कि आखिरत में जन्नत के हसूल का जरिया भी है जिससे बड़ी कोई कामयाबी है ही नहीं रसूल सलाह ने अल्लाह यानी एक कम सौ जो शख्स को महफूज रखेगा में दाखिल होगा बुखारी की रिवायत है इसी तरह सही मुस्लिम की रिवायत है उसमें अबू हुरारा ही रिवायत करते हैं कि रसोल اللہ फरमाया अह ते निनानवे नाम है जिसने इन्हें महफूज किया वो जन्नत में दाखिल होगा और बिला अल्लाह वितर है और वितर को पसंद करता है इसका क्या मतलब है मन अहसाह दखल अल जन्ना जिसने नामों को शुमार किया वो जन्नत में दाखिल होगा यानी इन नामों का अहाता करने की कोशिश की इन नामों के मानी को जाना इनके तकाजे के, के मुताबिक अमल किया और फिर इनकी बिना पर अपने रब अपने खालिक मालिक के साथ अपने ताल्लुक को दुरुस्त किया और इन नामों के तकाजे के मुताबिक अपने अमाल को तब्दील किया तो ऐसा शख्स अल्लाह सुबहान की रहमत का मुस्तक होगा कहते हैं कि अल्लाह के, अल्ला के असमां को गिन कर रखने के कुछ गर्जे हैं, हैं बंदा जब इन नामों को याद कर लेता है तो जन्नत में दाखिल हो जाता है याद करने से मुराद सिर्फ जबानी मेमोराइज करना ही नहीं बल्कि कैम के मुताबिक पहला मरतबा है इनके अल्फाज को गिनना और शुमार करना दूसरा मरतबा है इनके मानी और मफहम को जानना तीसरा मरतबा है इनके साथ दुआ मांगना क्योंकि अल्लाह व तआला ने फरमाया ओलिल्लाहिल हिल असम हुस्ना हसन बिहा और, और अल्लाह ही के लिए हैं अच्छे अच्छे नाम बस तुम उसको इन नामों के साथ पुकारो और अल्लाह के साथ अल्लाह के नामों के साथ दुआ मांगने के दो मरतबे हैं नंबर एक दुआ उल इबादा तारीफ और इबादत की दुआ और नंबर दो मसअला, तलब और मांगने की दुआ तो गोया अल्लाह ताला की तारीफ नहीं की जा सकती मगर अल्लाह सुबहान खूबसूरत नामों के जरिए और उसकी बेहतरीन सिफात के जरिए यानी अगर हम अल्लाह ताला की इबादत करना चाहें अल्लाह ताला की हम सना करना चाहें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहें अल्लाह ताला से अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहें तो उसके लिए जरूरी है कि हम उसको उसके प्यारे प्यारे नामों के साथ पुकारें वो नाम जो खुद उसने अपने हमें बता दिए क्योंकि उससे ज्यादा खुद उसके बारे में और कौन जान सकता है कोई और हमें उसके बारे में क्या बता सकता है सिवाय उसके जो खुद उसने अपनी पहचान हमें करा दी लिहाजा जब हम अल्लाह सुबह के इन नामों का जिक्र करेंगे, करेंगे इनके साथ उसको पुकारेंगे तो गया ये एक इबादत की हालत होगी और फिर अगर हम उससे कुछ मांगेंगे तो वो हमें अता करेगा क्योंकि ये उसका अपना फरमान है कि तुम इनके साथ उसको पुकारो और यहां ये यह बात भी फिर याद रहे कि यह नाम खुद उसने हमें बताए लिहाजा उन नामों की मुनासबत के साथ अपनी हाजात पेश करना उससे सवाल करना उससे दुआ मांगना उसको पसंद है वैसे भी दुआ करना एक इबादत है और अल्लाह सुबहान तला उस बंदे से खुश होता है उससे राजी होता है जो अपनी हर छोटी बड़ी जरूरत में अल्लाह सुबहान तला की तरफ रुजू करता है और इसमें बंदे के लिए एन सा है खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने अपने बंदों को अपना ही मोहताज किया जो उनका हकीकी मालिक है और उनको सब कुछ देने पर कादिर है उन्हें दूसरी मखलूक के ताबे नहीं किया बाकी मखलूकत दरख्त हो या पत्थर हो जमीन हो या आसमान हो सितारे हों या चांद हो यह सब तो इंसान की खिदमत में लगे हुए हैं ये इंसान के इलाह हो नहीं सकते इंसान के मबूद हो नहीं सकते और हकीकी मबूद वही है जो इन सब का खालिक है और वही हमसे चाहता है कि हम बाकी तमाम चीजों की गुलामी से आजाद होकर सिर्फ उसके गुलाम बन जाए सिर्फ उसके बंदे बन जाए तारीफ भी करें तो उसकी शुक्र अदा करें तो उसी का मांगे तो उसी से और गुनाह कर लें तो पलटे भी उसी की तरफ जो शर्मिंदा नहीं करता जो पुकारता है कि ए दिन के गुनागार तू रात को लौटा मैं तुझे माफ कर दूंगा और ए रात के गुनागार तू दिन को पलटा मैं तुझे माफ कर दूंगा अगर तेरे गुनाह आसमान के किनारों तक पहुंच जाए तो मैं इतनी मफफरत के साथ तुझे मिलूंगा और मैं तुझे माफ कर दूंगा वो हमारा अपना रब है वो तमाम बंदो और तमाम मखलूक से ज्यादा हमसे मोहब्बत करने वाला है हमारी निजात उसी के दामन में है उसी की तरफ रुजू करने में है लिहाजा ये नाम जहां इबादत का जरिया है वहां मांगने का जरिया है दुआ का जरिया है लिहाजा उससे मांगते रहना चाहिए और फिर इस मामले में एक एहतियात भी जरूरी है और वो ये कि अल्लाह सुबहान तला को सिर्फ वही नाम दिए जाएंगे जो उसने खुद हमें बताए हम अपनी तरफ से उसका कोई नाम नहीं रख सकते और ना ही हमें इसकी इजाजत है कि हम उसके नामों में इलाहाद करें दुरुस्त रास्ते से हटे यानी जो नाम अल्लाह सुबहाना ने या अल्लाह सुबहाना ने अपने हबीब मोहम्मद के जरिए हमें बताए हैं उसके अलावा हम अपनी तरफ से उसके कोई नाम नहीं रख सकते मसला हम ये जानते हैं कि अल्लाह सुबहानु शिफा देते लेकिन हम अल्लाह सुबहानुला का नाम डॉक्टर नहीं रख सकते वो नाम इंसानों के लिए तो वो नाम जो आमतौर पर हमने इंसानों के लिए रखे हैं या इंसानों की जो सिफात है वो अल्लाह सुबहान ताला को जेबा नहीं है इसलिए इस मामले में बहुत एहतियात की भी जरूरत है और हमें इस मामले में किताब सुन्नत से आगे नहीं बढ़ना और फिर अल्लाह सुबहान तला को मखलूक से तशबीर नहीं देनी क्योंकि अल्लाह सुबहान सब से आला अफसल है इसलिए उसकी जो सिफात है उसी के साथ खास है और जो उसकी सिफात है वो उसी को जेबा है और इसमें किसी भी किस्म की तहरीफ जायज नहीं किसी भी किस्म की तशबीह जायज नहीं किसी भी किस्म की तमसील जायज नहीं यानी हम ये नहीं कहेंगे कि अल्लाह ताला सुनता है जैसे बंदे सुनते हैं न उजबिल्ला ऐसा नहीं कह सकते इसी तरह यह भी नहीं कि वो कैसे सुनता है यह हमें नहीं मालूम न उसने हमें बताया है हमारा बस ये यकीन होना चाहिए कि उसने में बताया है कि वो सुनता है तो बस सुनता है कैसे का जवाब हमें नहीं मालूम इसी तरह उसके नामों में कमी और कोताही भी दुरुस्त नहीं हमारा ईमान है इस पर वो वैसा ही है जैसा उसने हमें बताया है कि वो है बहरहाल ये बात हमेशा हमारे जहन में रहे कि अल्लाह सुबहान तला के नाम और उसकी सिफात जिनका हम आइंदा जिक्र पढ़ेंगे सुनेंगे करेंगे वो सिर्फ उसी के लिए खास है उसे मखलूक के साथ तशबी नहीं दी जा सकती कुरानी मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं लई सका मिफली ही शई उन वो हुआ समी उल बसीर" कि उसकी मिसाल की तरह भी कोई मिसाल नहीं कोई चीज उस जैसी नहीं इसलिए जब हम उसके मुख्तलिफ नाम और सिफात का जिक्र सुने या पढ़े तो उन्हें मखलूक के साथ जहन में ना लाए वो उस सिर्फ उसी के लिए खास है और ये यकीन रखें कि वो सुनने वाला है देखने वाला है लेकिन वो इस तरह नहीं सुनता जैसे बंदे सुनते हैं और इस तरह नहीं देखता जैसे बंदे देखते हैं तो यहां चलते हुए ये बात भी जहन में रहे अल्लाह सुबहान के नामों और सिफात को जानने के लिए कुछ कवायद कुछ तरीके और कुछ असूल है जिनको जहन में रखना जरूरी है पहली चीज ये कि अल्लाह सुबान के सारे ही नाम अच्छे हैं अल्लाह अल्लाह हुआ लाहमा उलहसना अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई मबूद बरहक नहीं सबसे अच्छे नाम उसी के है एक और जगह पर फरमायाद्लाह अबिदुरहमान फल असम हुस्ना कह दो अल्लाह को पुकारो या रहमान को पुकारो तुम जिसको भी पुकारोगे सो ये बेहतरीन नाम उसी के हैं। यानी अल्लाह सुबहान तआला तो एक है उसकी सिफात बहुत सारी हैं। जिस भी सिफत के जरिए जिस भी नाम के जरिए उसको पुकारोगे तो असल में पुकारना तो उसी को है एक और जगह पर फरमायाल बारी उल मुसविर लहमा उलहसनाजीज उल हकीम वो ही है जो खालिक है जो पैदा करने वाला है तस्वीर गरी करने वाला है उसी के है अच्छे अच्छे नाम जमीन और आसमान की हर चीज उसकी तस्बीह बयान कर रही है उसकी पाकि बयान कर रही है और वो जबरदस्त है हिकमत वाला है इसलिए कुरान मजीद की जितनी आयात में अल्लाह सुबहान तला के नामों का जिक्र आता है उसकी सिफात का जिक्र आता है वहां हुसना का लफ्ज़ साथ ही आता है और हुसना का माना होता है वो चीज़ जो हुसन और खूबी की इंतहा को पहुंची हुई हो यानी मुबालक कसी का

ये भी याद रखिए कि ये हुसन दो तरह से है एक तो ये कि ये अपनी जगह ये अल्फाज बड़े खूबसूरत हैं जिनके जरिए ये सिफात हमें मालूम होती हैं और दूसरे से एबार से कि एक नाम को जब दूसरे नाम के साथ मिलाकर जिक्र किया जाता है तो बाजों का बाहर देखने में वो दो बिल्कुल मुख्तलिफात होती लेकिन वो दो जब इकट्ठी आती है तो उनके अंदर एक और ही खूबसूरती और एक जबरदस्त हुसन पैदा हो जाता है जिसके इंशाला आइंदा हम तफसी पढ़ेंगे मसलन यहां भी हम देखते हैं कि जैसे अल्लाह सुबहान सिफत अल अजीज है और दूसरी अल-हकीम है अमूमन कुरान मजीद में दो सिफात इकट्ठी आती हैं अल अजीज का माना है जबरदस्त या गलबे वाला जिसमें कुत का इजहार पाया जाता है और दूसरी तरफ अलकीम हमत वाला विजडम वाला अल्लाह सुबहाना जहां कुत इकतदार गलबे और जबरूत के मालिक हैं, वहां दूसरी तरफ वो बहुत हिकमत वाले हैं। अमूमन क्या होता है कि जब किसी के पास कुत आ जाती तो वो उस कु्वत को जैसे चाहता है इस्तेमाल करता है लेकिन अल्लाह सुबहाना अपनी इन तमाम कुतों को हमत के साथ इस्तेमाल करते हैं और फिर आखिर में ये अल्लाह तला के नाम सिर्फ किसी मखसूस तादाद या मकदार में नहीं बल्कि उसके कुछ नाम ऐसे है जो उसने अपने खजाना गैब में रखे हुए और कुछ नाम उसकी किताब में है और कुछ नबी सलम के जरिए हमें बताए गए जैसे कि एक दुआ से हमें पता चलता है असअल कबिकुलिसमिन सब मई तब ही किताबिक

तो मैं तेरे उन तमाम नामों के जरिए तुझसे दुआ करता हूँ तो याद रखिए कि अल्लाह सुबहान तला के सिर्फ निनानवे या नाइनटी नाइन नेम्स ही नहीं इससे ज्यादा है इस हदीस से पता ये चलता है कि अगर कोई नाइनटी नाइन भी याद कर लेगा तो वो उसके लिए जन्नत में जाने का रास्ता आसान कर देंगे लेकिन इस हदीस दूसरी से पता चलता है कि ये नाम उससे कहीं ज्यादा है और कुछ तो अल्लाह ताला ने हमें बताए हैं और कुछ बताए भी नहीं और आखिर में ये कहना चाहूंगी कि जब तक हमारी जिंदगी है जब तक अल्लाह सुबहाना ने हमें बोलने की इजहार ख्याल की इस्त दी है इस वक्त से इन घड़ियों से फायदा उठाना चाहिए और अल्लाह सुबहान तला को खूब खूब खुँ पुकारना चाहिए कहीं ऐसा ना हो कि मोहलत के ये लम्हात खत्म हो जाए और फिर हम अपने अमाल के साथ अल्लाह के हजूर हाजिर हो उस वक्त अगर खुदा न खास्ता हमें वो अंजाम देखना पड़ा जो हमें पसंद ना हो तो वहां उसको पुकारना कुछ भी फायदा ना देगा इसलिए मांगने का वक्त आज है आइए अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह तू हमें अपने तमाम नामों के वसीले से अपने तमाम नामों के जरिए हम पर अपनी रहमत फरमा हमें इनकी पहचान करवा दे हमें अपनी जात की वो मारिफत दे कि जिससे हमारे यकीन और ईमान में इजाफा हो जिससे हमारे लिए तेरी इबादत आसान हो जिससे हमारे अंदर तेरी मोहब्बत और तेरी चाहत का जौक पैदा हो अल्लाह तो हमारे लिए इस काम को आसान फरमा दे <SAS> <लफस> जला यानी अल्लाह जो अल्लाह सुबहानु ती नाम है उस पर बात करेंगे कुरानी मजिद में अल्लाह सुबहानु ने अपना तारुफ खुद अल्लाह के नाम के साथ करवाया है और उसके लिए उसका बेहतरीन तारुफ आयतुल कुर्सी में हुआ है अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहू सिनतु वला नौम लहु मा फिस समावाति व फिल अर्द मन वल्लज़ी यशफ़अ इंदहू इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना आइदीहिम व मा खल्फहुम ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله الله वो है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं जिंदा है हर चीज को कायम रखने वाला है न उसे ऊंग आती है और न नींद जो कुछ भी आसमानों और जमीन में है उसी का है कौन है जो उसके पास उसकी इजाजत के बगैर सिफारिश करे वो जानता है जो कुछ उनके सामने है और जो उनके पीछे है और वो उसके में से किसी चीज का अहाता नहीं कर सकते मगर जितना वो खुद चाहे उसकी कुर्सी आसमानों जमीन पर छाई हुई है और उसे इन दोनों की हिफाजत नहीं थकाती वो सबसे बुलंद और सबसे बड़ा है है अल्लाह रब्बुल आलमीन लफ्ज अल्लाह अल्लाह सुबहानु तआला का जी नाम सिर्फ अल्लाह ही के लिए मखसूस है पूरी कायनात में अल्लाह के नाम से सिवाय उसके कोई भी नहीं जाना जाता किसी और का ये नाम है ही नहीं हलता आलमहू सम नहीं ये नाम एक इंतहाई खूबसूरत नाम है अगर इसकी तहरीर पर आप गौर करें तो इसके सारी शेप ऊपर को उठती हुई जाती है जो अपनी तहरीर के अतबार से भी अल्लाह सुबहान अजमत और बुलंदी पर दलील है इसको इसमुल जलाला अल्लाह का इज्जत वाला नाम बुलंद नाम जलील कदर नाम जो असमाय हुसन में से सबसे अजीम और आला है सिर्फ उसी का है इसके लघो भी माने क्या है इसका मतलब क्या है इसकी असल अल है लेकिन बाकी असमा के साथ जब अल लगता है तो अलग पढ़ा जाता है लेकिन सुबहान अल्लाह अल्लाह सुबहान ताला के इस नाम में अल उसका हिस्सा बन चुका है यानी अल्लाह बजाय इसके कि हम कहें अल-इलाह वो खास इलाह क्या कहा जाता है अल्लाह अरबी लगत में ये लफ्ज़ चार मानों में इस्तेमाल होता है नंबर एक अल-माबूद यानी अल्लाह कौन है वो जो माबूद है खास इलाह है जिसकी इबादत की जाती है नंबर दो अल-मलज़ा जिसकी पनाह ली जाती है खौफ में गम में परेशानियों में जिसकी तरफ रुझू किया जाता है जो पना गाह है नंबर तीन अलमफजू अलह यानी घबराहट में जिसकी मदद हासिल की जाती है जब सारे सहारे टूट जाते हैं तो हर इंसान खावो उसको ना भी मानता हो फिर भी उसी की तरफ लौटता और पलटता है और चौथा माना है अलमहबूब वो महबूब जिसके साथ अजीम मोहब्बत हो हर चीज से बढ़कर मोहब्बत हो और उसके बारे में अकल हैरान हो लातुद्रिकुल अबसार जिसको निगाहें ना पा सकती हूं वो हुआ युद्रिकुल अबसार और वो सब निगाहों को देखता है जानता है कि कौन सी निगाह किस तरफ उठी है तो अल्लाह सुबहान ताला दरअसल सारी कायनात का हकीकी माबूद है उनका भी जो उसको मानते हैं और उनका भी जो उसको नहीं मानते इलाह बरहक वही है वही है जिसकी इबादत की तरफ बंदों के दिल मायल होते हैं जब वो उसको दरियाफ्त कर लेते हैं जब वो उसको पहचान जाते हैं जब वो उसकी नेमतों और उसकी बनाई हुई अजीम निशानियों को देखकर उसकी तरफ मायल हो जाते हैं जब उनके दिल उसकी वहदानियत की गवाही देने लगते हैं और पूरी इंकसारी और आजी के साथ उसके आगे झुकते हैं उसी से उम्मीदें लगाते हैं उसी से डरते हैं उसी की अजमत दिल में पहचानते हैं फिर उसी की इतात करते हैं अपनी जरूरियात और मुश्किल में उसी की तरफ रुझू करते हैं वो वही इलाह बरहक है जो अर्श से लेकर इस ठहरी हुई जमीन की गहराइयों तक वाहिद इलाह है जिसके सिवा कोई और इलाह नहीं है वो अजीम वर्तर है अपनी सिफात में और उनकी बड़ाई और कमाल और जलाल में और जमाल में उसके जितने भी नाम हैं उसकी जितनी भी सिफात हैं वो सब इसी की तरफ लौटती हैं यानी उसके जाति नाम अल्लाह की तरफ उसका कोई शरीक नहीं कोई उसके मुशाबे नहीं कोई उसके हम मिसल नहीं कोई उसका हम सर नहीं कोई उसका मददगार नहीं वो हर लिहाज से कामिल है अल्लाह जो दिलों के लिए बाहत है जिसका जिक्र जिसका तस्वुर जिसका ख्याल और जिस पर ईमान दिलों के इतमान का जरिया है इंसान जब उसको दरियात कर लेता है जब उसको पा लेता है जब उसको पहचान लेता है तो फिर हर चीज से बेन्याज हो जाता है अल्लाह जला जला नाम कुरान मजीद में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है पच्चीस सौ से ज्यादा बार लफसे अल्लाह कुरान मजीद में मुख्तलिफ जगहों पर आया है मुख्तलिफ आयात में और जिस आयत में अल्लाह सुबहान तला का तारफ करवाया गया वो आयत आयत-ul-कुर्सी कुरान मजीद की सबसे बड़ी आयत शुमार होती है ओबै अपने काब से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा उनसे पूछा कि कुरने करीम में सबसे अजीम आयत कौन सी है उन्होंने कहा अल्लाह और उसका रसूल जानते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फिर कई बार पूछा तो उस पर उन्होंने अर्ज किया आयतुल कुर्सी इस पर आप बहुत खुश हुए और फरमाया मुंदर, तुम्हें इल्म मुबारक हो यानी वाकई तुम्हारे पास इल्म है तुम जानते हो कि अल्लाह कौन है और उसका तारुफ कुरानी मजीद में जिस आयत में है वो आयत इसी बिना पर सबसे बड़ी आयत शुमार होती है फिर हर रसूल ने अपनी अपनी उम्मत को इबादत की, की तरफ बुलाया उसी इलाह की होने के लिए कहा। कुरान में से हमें पता चलता है कि जिस कौम में भी कोई जो आया, उसने लोगों को अल्लाह की इबादत ही की दावत दी बारी ताला है, हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा जो उन्हें यही कहता था कि लोगो अल्लाह की इबादत करो और तागूत से बचो यानी गैर अल्लाह की इबादत से बचो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी लोगों को अल्लाह सुबहानु ताला ही की इबादत की तरफ बुलाया रबिया बिन अब्बाद दलमी से रिवायत है ये वो सहाबी हैं जिन्होंने जाहिलियत का जमाना भी पाया और फिर मुसलमान हो गए तो ये कहते हैं कि इन्होंने नबी सल्लाह को दुल नामी बाजार में देखा आप लोगों को ला अला की दावत दे रहे थे और फरमा रहे थे कि कुल ला इलाहा ए लोगो ला इलाहा कह दो तो तुम फलाह पा जाओगे वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाह गलियों और बाजारों में दाखिल हो रहे थे लोग आपके पीछे जाते आपके इर्द गिर्द जमा हो जाते कोई उनसे कुछ नहीं कह रहा था और आप खामोश हुए बगैर अपनी बात दोहराए चले जा रहे थे ए लोगो ला लाला अल्लाह कह दो फलाह पा जाओगे ए लोगो ला लाला कह दो फलाह पा जाओगे गोया इंसान की कामयाबी उसकी निजात उसकी फलाह का इहिसार इस बात पर है कि वो एक अल्लाह को अपना माबूद समझे और उस पर ईमान ले आए यही स्टेपिंग स्टोन है सीधे रास्ते की तरफ कामयाबी की तरफ इसी तरह बल बलहुजैम कबीला के एक आदमी से रिवायत है वो कहते हैं कि मैंने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप किन चीजों की तरफ दावत देते हैं आपकी दावत क्या है आप लोगों के लिए क्या मैसेज लेकर आए आपने फरमाया मैं उस अल्लाह की तरफ दावत देता हूँ जो यकता है बस एक है वो अल्लाह के जब तुम पर कोई मुसीबत आती है और तुम उसे पुकारते हो तो वो तुम्हारी मुसीबत को दूर कर देता है जब तुम किसी बयाबान और जंगल में रास्ता भूल जाते हो और तुम उससे दुआ करते हो तो वो तुम्हें अपने असल मकाम तक पहुंचा देता है जब तुम कहत साली में मुबतला होते हो और उससे दुआ करते हो तो वो पैदावार जाहिर कर देता है तो इससे पता ये चलता है कि हर इंसान के अंदर अल्लाह की एक जरूरत मौजूद है जब वो देखता है कि उसके आसपास के सब सहारे गुम हो गए हैं तो वो उस हस्ती को पुकारता है जिसने उसको पैदा किया और जिसने उसके साथ जरूरिया रखी और उन जरूरियात को पूरा करने का इंतजाम भी फरमाया इंसान अपनी फितरत में अपने रब को पहचानता है लेकिन उसका माहौल उसको मुख्तलिफ तरह के अंधेरों में रखकर उस रब से दूर कर देता है रसोल सरअसल लोगों को इन्हीं अंधेरों से निकाला मिलन जुलुमाती इलन नूर। मिनकुलुमा थे अंधेरों से रोशनी की राह दिखाई और उन्हें अपने रब के साथ जोड़ा फिर यह के लफ्ज अल्लाह के कुछ खसायस भी हैं इस लफ्ज की सबसे पहली खसूसियत है कि यह अल्लाह सुबहान इसमें आजम है इमाम गजाली कहते हैं कि जान लो कि ये नाम निन्यानवे नामों में सबसे ज्यादा अजीम है क्योंकि ये उस जाते इलाहिया पर दलालत करता है जो तमाम सिफात इलाहिया को जमा करने वाली है ये उस जात का नाम है जिसकी सारी सिफात है यहां तक कि कोई भी सिफत इससे जुदा नहीं होती यानी बाकी सारी सिफात इसी की है यानी अल्लाह सुबहाना की फिर हम देखते हैं कि ये नाम हर हदीस में वारिद हुआ नबी सल्लाम की जितनी भी हदीस उनके शुरू में हर जगह आता है काला रसूल सल या अन तो हदीस का जितना भी जखीरा है जितना भी खजाना है उसमें से हर हदीस में अल्लाह सुबहान तला का नाम आता है उसी की तरफ नस्बत जाती है फिर इसी तरह तमाम असमाय हसना की नस्बत अल्लाह की तरफ है वल्लास्मा उल्हसना और अल्लाह ही के लिए है सारे अच्छे अच्छे नाम बस तुम उसको इन नामों के साथ पुकारो यानी कैसे कहा जाता है अल्लाह कौन है वो जो अर्रहमान अर्रहीम सलाम है यानी ये सब अल्लाह के नाम है ये नहीं कहा जाता कि अल्लाह अर्रहमान का नाम है या अल्लाह अल अजीज का नाम है नहीं अल अजीज और अर्रहमान दरअसल अल्लाह सुबहान तला के नाम है या उसकी सिफात है यह है कि यह नाम सबसे ज्यादा पुकारा जाता है मसलून दुआओं को अगर हम देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह सुबहान नामों से पुकारा उनमें सबसे ज्यादा यही नाम आता है अल्लाह के साथ हुशरीफ का आगाज भी अल्लाह के साथ होता है तो अल्लाह तो अल्लाह है अल्लाह तो मीम आखिर में जो मुशद है ये क्या चीज है दरअसल अरबी का एक कायदा है शुरू में या का लफ्ज लगाने की बजाय आखिर में मीम का मतलब है यहां पर या जैसे हम कहते हैं या अल्लाह तो इसी तरह अल्लाह का मतलब है ए अल्लाह हसन बसरी कहते हैं ए अल्लाह दुआओं के मरकज जब मांगने वाला कहता है या अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूं गोया वो ये कहता है कि मैं उस अल्लाह से दुआ करता हूं जिसके सब अच्छे अच्छे नाम हैं और जिसके बुलंद नाम और बुलंद सिफात हैं, पर यह भी याद रखिए कि मखलूक में से किसी के अंदर आज तक जरूरत नहीं हुई कि वो अपना या किसी और का नाम अल्लाह रख दे अल्लाह सुबहान तला ने सबकी जबाने पकड़ रखी कि यह नाम उसके सिवा कोई और रख ही नहीं सकता ये सिर्फ उसी की खसूसियत है और फिर यह कि तमाम उम्मतें इस नाम से मुतारफ है कोई इस नाम का इनकार नहीं करती फिर इसी तरह हम देखते हैं कि हमारी नमाज के हर एक्शन में ये नाम लिया जाता है मसला नमाज का आगाज होता है तकबीर तहरीमा से आगाज में पहला लफ्स ही क्या है अल्लाह अकबर अल्लाह सबसे बड़ा है फिर दुआ इस्तिफ़ता है उसमें आता है सुबह नकल्ला हमदिका अल्लाह का नाम है रुकू में हम जो दुआएं मांगते हैं उनमें से दुआ है सुबह नकल्ला रबना वे हमदिका फिर कौमा में जब खड़े होते हैं स में अल्लाह हमदा फिर सजदे में जाते हैं तो कहते हैं अल्लाह का सजद तू अह मैने तेरे लिए सजदा किया फिर तशाह की दुआओं में से है अल्लाह उम्म फिर लीमा कद्दम तू अमा अखर तू अमा असर तू अमा आलन तू अह मुझे बख्श दे जो भी मैंने पहले गुनाह किए जो बाद में किए जो छुपके किए और जो जाहरी तौर पर किए फिर नमाज के अख्ताम किस पर होता है असलाम्कमत इसमें भी अल्लाह का नाम लिया जाता है तो गोया पूरा दिन हम इसकी तकरार करते रहते हैं नमाजों के अंदर भी और नमाजों के बाहर भी दिन का आगाज एक मुसलमान किस तरह करता है सबसे पहले दुआ मांगता है बादमा गोया आग खुलते ही पहला लफ्ज जो उसकी जबान पर आता है वो अल्लाह के शुक्र का है अलहमद फिर तो इसी तरह मुख्तलिफ काम काज करते हुए अगर ठीक आ जाती है तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी अच्छी चीज को देखता है इंसान तो सुबहान अल्लाह अल्लाह की कुदरत याद आती है फिर किसी चीज पर हैरान होता है कहता माशा अल्लाह फिर इसी तरह कोई गुनाह हो जाता है तो कहता है बुलंदी की तरफ चढ़ने लगता है तो कहता है अल्लाह अकबर नीचे को उतरने लगता है तो कहता है सुबहान अल्लाह फिर इसी तरह दिन के सारे काम काज करते हुए जब रात को सोने लगता है तो दाएं तरफ लेटते हुए अपना दाए हाथ अपने दाएं गाल के नीचे रख कर अपने रब को पुकारता है अल्ला बिस्मिका का अमूत वहिया फिर इसी तरह इस नाम की कुछ और खसूसियात है और वो ये कि अरबी में कसम के लिए जो ता इस्तेमाल होती है वो सिर्फ इसी नाम पर वारिद होती है तल्लाही। फिर इसी तरह इस लफ्ज का खासा यह है कि अलहमद का इस्तेमाल सिर्फ अल्लाह के साथ होता है ये नहीं होता अल्हमदरहनदुलरहमान याल्हदीम नहीं इसी तरह बाकी भी बहुत से, जब हम दुआएं अल्लाह ताला से मांगते हैं या अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हैं तो लफ्ज अल्लाह ही के साथ कर रहे होते हैं फिर इस नाम की बहुत सी बरकत भी है यानी ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ एक नाम है बल्कि ये हमारी रूह और हमारे दिल की जिंदगी है जब जब हम तकलीफ में होते हैं जब हम किसी भी तरह तन्हा महसूस करते हैं तो ये नाम हमारे अंदर से तन्हाई का एहसास खत्म कर देता है अल्लाह सुबहान ताला का ये नाम यानी अल्लाह जो उसका जाति नाम है ये सिर्फ एक नाम ही नहीं इसकी बहुत सी बरकत भी है इसके बहुत से फायदे हैं ये सिर्फ उसका नाम नहीं ये उसकी पहचान भी है और ये हमारे दिल रूह और जान की जिंदगी है हम जब तन्हा होते हैं तो जो ही उसका नाम लेते हैं यू लगता है कोई तन्हाई तन्हाई नहीं जब खौफ ज्यादा होते हैं और उसको पुकारते हैं तो लगता है कोई खौफ खौफ नहीं एकदम दिलों को करार आ जाता है तस्कीन मिल जाती है अगर इंसान तकलीफ के वक्त बिस्मिल्लाह कहता है तो उसकी तकलीफ दूर हो जाती है अजर जाबिर कहते हैं कि जब गजब उहद में तलहा रजी अल्लाह रज्लाह की उंगली कटी तो उन्होंने सी कहा जिसे आमतौर पर हमारा रिएक्शन होता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम इस वक्त बिस्मिल्लाह कहते यानी सी करने की बजाय अल्लाह के नाम को याद करते तो फरिश्ते तुम्हें उठा लेते इस हाल में कि लोग तुम्हें देख रहे होते यानी इतनी कुव्वत है इस नाम के अंदर फिर इसी तरह हम हर काम के शुरू में भी बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और उससे उस काम में बरकत हो जाती है मसलन खाना खाते वक्त अगर खाना बिस्मिल्लाह से शुरू किया जाए तो उस खाने में बरकत हो जाती है, से रिवायत है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने छह सहाबा के साथ बैठकर खाना खा रहे थे कि एक देहाती अचानक आया और उसने बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना शुरू किया और दो लुकमो में सारा खाना समेट गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर ये बिस्मिल्लाह पढ़ लेता तो तुम सबको ये खाना किफायत कर जाता यानी अगर बिस्मिल्लाह से यह आगाज करता तो छह में अगर सातवां भी शामिल हो जाता तो सबकी भूख दूर हो जाती और उस मौके पर आपने ये तालीम दी कि जब तुम में से कोई शख्स खाना खाए तो उसे उस पर बिस्मिल्लाह पढ़ लेनी चाहिए और अगर वो शुरू में बिस्मिल्लाह भूल जाए तो याद आने पर बिस्मिल्लाह ही अव्वलहू व आखिर पढ़ लिया करे वशि बिन हर्ब अपने वालिद से और वो उनके दादा से रिवायत करते हैं कि एक मरतबा एक शख्स ने कहा कि हम खाना तो खाते हैं लेकिन हमारी भूख खत्म नहीं होती आपने फरमाया शायद तुम अलग अलग खाते हो तो तुम इकट्ठे होकर खाया करो मिलकर खाया करो और खाने के वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो इस तरह अल्लाह ताला तुम्हारे खाने में बरकत डाल देगा फिर इसी तरह बिस्मिल्लाह पढ़ना शयातीन को दूर कर देता है शैतान से महफूज कर देता है हजरतनस कहते हैं कि रसुल्ला ने फरमाया जिन्हों की आंखों और इंसानों की शर्मगाहों का पर्दा यह है कि जब कोई अपने कपड़े उतारे यानी जिसे नहाने वगैरह के लिए तो बिस्मिल्लाह पढ़ ले यानी उस वक्त भी अगर अल्लाह का नाम ले तो हर एक से वो महफूज हो जाएगा यानी वैसे तो लिबास उतार दे इंसान तो उसका सत्र खुल जाता है लेकिन अगर बिस्मिल्लाह पढ़ता है तो वो मखलूक जो उस वक्त वहां हो सकती है मौजूद उससे भी उसका सतर हो जाता है फिर इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका यह था कि रात को जब सोने लगते तो अपना बिस्तर झाड़ते वक्त भी बिस्मिल्लाह पढ़ा करते थे अब हुरारा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई अपने बिस्तर पर जाए तो अपने तहबंद के पल्लू से उसका एक कोना पकड़े और उससे अपने बिस्तर को झाड़े और साथ बिस्मिल्लाह पढ़े क्योंकि वो नहीं जानता कि कौन उसके बाद उसके बिस्तर पर आया हो सकता है कोई ईजा देने वाला तकलीफ देने वाला कीड़ा मकोड़ा हो तो जब अल्लाह का नाम लिया जाएगा तो कोई चीज उसको रात सोते वक्त नुकसान नहीं देगी लेकिन इसके बरक्स जब कोई शख्स अल्लाह का नाम नहीं लेता तो फिर वो कई किस्म के नुकसान उठा सकता है मसलन खाने में अगर बिस्मिल्लाह नहीं पड़ी तो वो चीज शैतान का रिस्क बन सकती है। इब्न अब्बास कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इबलीस ने कहा एरब तो उन्हें अपने सारी मखलूक का रिस्क वाजे तौर पर बता दिया है तो मेरा रिस्क कहाँ है मैं क्या खाऊंगा फरमाया हर वो चीज जिस पर मेरा नाम न लिया जाए वो तुम्हारा रिस्क है तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि हम जब खाने पर अल्लाह का नाम नहीं पढ़ते तो ये मामूली सी बात नहीं है हम दरअसल अपना ही खाना अपने दुश्मन को खिला रहे होते हैं फिर इसी तरह जब इंसान घर में दाखिल होता है तो घर में दाखिल होते वक्त अगर, अगर अल्लाह का नाम नहीं लेता और खाना खाते वक्त अल्लाह का नाम नहीं लेता तो शैतान कहता है कि आज इस घर में तुम्हारे लिए खाना भी है और रात गुजारने की जगह भी है लेकिन अगर बिस्मिल्लाह पढ़ता है इंसान तो वो कहता है कि आज इस घर में ना खाना है और ना तुम्हारे रात गुजारने की जगह है फिर इसी तरह जिस में अल्लाह का नाम ना लिया जाए वो मजलिस बनेगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो लोग किसी जगह पर मजलिस करें लेकिन उसमें अल्लाह का जिक्र ना करें वो उनके लिए के दिन हसरत का बायस होगी और जो आदमी किसी रास्ते पर चलते हुए अल्लाह का जिक्र ना करे वो चलना भी के दिन उसके लिए हसरत का बायस होगा जो आदमी अपने बिस्तर पर आए लेकिन अल्लाह का नाम ना ले वो उस बिस्तर पर आना भी उसके लिए बायस हसरत होगा यानी जिंदगी में कोई भी काम काज करते वक्त जब उस काम काज में अल्लाह का जिक्र नहीं होता अल्लाह की याद नहीं होती अल्लाह का नाम नहीं होता तो क्यामत के दिन ऐसे सारे अमाल इंसान के लिए हसरत यास का जरिया बन जाएंगे क्योंकि जिस काम को इंसान बिसमिल्ला पढ़कर शुरू करता है वो काम उसके लिए इबादत हो जाता है खाना खाना बाहिर सिर्फ दुनिया का एक काम है यानी दुनियावी काम है बाहिर देखने में कोई इबादत नहीं है लेकिन सिर्फ बिसमिल्ला पढ़कर जब आगाज करता है इंसान तो वो सारा खाने का अमल उसके लिए इबादत बन जाता है अल्लाह का नाम लेकर इंसान अपने बिस्तर में जाता है तो वो सोना इबादत बन जाता है वो वॉक कर रहा है अल्लाह का जिक्र कर रहा है घर से निकलता है बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह पढ़ता है वो घर से निकलना उसके लिए इबादत बन जाता है और उसको शायतीन के शर और दीगर शर से महफूज रखने का जरिया बन जाता है अल्लाह तआला ने मुख्तलिफ चीजों के साथ अपने इस नाम को रखकर उन्हें शरफ और इज्जत भी बख्शा है मसलन अल्लाह का घर ये नहीं कि अल्लाह ताला वहां रहते हैं लेकिन उस घर को इज्जत और शरफ बख्शी अपने नाम की तरफ निस्बत देकर फिर इसी तरह आपने फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तीन लोग अल्लाह के यानी अल्लाह ताला उनको अपना वफद कहते हैं अपना डेलीगेशन गाजी हज करने वाला और उमरा करने वाला उनको भी अल्लाह सुबहान तला ने इज्जत और शरफ बख्शी अपने नाम के साथ फिर इसी तरह कुछ लोगों को अल्लाह ने अहलुल्लाह कहा है यानी अल्लाह के अहल अनस रजी अल्लाह से मरवी है कि रसूल सलम ने फरमाया लोगों में से कुछ अहलुल्लाह होते हैं आपने पूछा अहल्लाह कौन लोग होते हैं फरमायाहल क़ुरान अहले कुरान ही अहल्लाह और उसके खास लोग हैं यानी कुरान पढ़ने वालों को अल्लाह सुबहान तला ने इज्जत और शरब बख्शी फिर इसी तरह कुरान मजिद में आता है अल्लाह की मस्जिद को अल्लाह के पड़ोसी कहा गया रसूल सल्म ने फरमाया अल्लाह तला क्यामत के दिन ऐलान करेंगे मेरे पड़ोसी कहाँ है मेरे पड़ोसी कहाँ है फरिश्ते पूछेंगे अरब किसे जेब देता है कि वो तेरे पड़ोस में आए तेरा पड़ोसी बने अल्लाह तला फरमाएगा मसाजिद को आबाद करने वाले कहा है यानी मस्जिद को अल्लाह ने अपना घर कहा और मस्जिद की खिदमत करने वाले को अपना पड़ोसी कहा फिर इसी तरह जो लोग अल्लाह के दीन की खिदमत करें उसकी मदद करें उनको अल्लाह ताला ने कहा और उसके लिए दावत आम भी दी या यादीन आनु कून अनसार जो ईमान लाए हो अल्लाह के मददगार बन जाओ फिर इसी तरह ओम सबूत की उठनी को जो खास निशानी के तौर पर जाहिर हुई उसको नाकतुल्लाह अल्लाह की उठनी कहा और हकीकत यह है कि अल्लाह के नजदीक बंदों के नामों में से भी जो पसंदीदा नाम है उनमें से एक अब्दुल्लाह और दूसरे रहमान है जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी है जब एक बंदा इस नाम के साथ अल्लाह को पुकारता है तो उसकी दुआ सुनी जाती है उसकी दुआ कबूल होती है और इसके बारे में हम देखते हैं रसूल सल्म की अक्सर दुआएं इसी नाम के साथ शुरू होती थी आप सल्लाह हर नए मुसलमान होने वाले को जो दुआ सिखाया करते थे अल्लाह वह दिन जुखनी अफ कर दे ए अल्लाह तो मुझ पर रहम फरमा और मुझे हिदायत दे और मुझे रिस्क अता फरमा फिर इसी नाम के जरिए जब आप सल्लाह अल्लाह के रास्ते में निकलते जिहाद पर जाते तो आप इसी नाम के जरिए अल्लाह तला से मदद चाहते जिंदगी में इंसान पर बहुत सी मुश्किल और बहुत सी तकलीफे आती रहती हैं ऐसे में बाजोकात इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है उसे यह नहीं पता चलता कि अब वो क्या करे लेकिन इसका हल नबी सताया है हजरत बिन त्योमैस कहती है कि मुझसे रसुल्ला सल्लाम ने फरमाया क्या मैं तुम्हें ऐसे कलिमात बताऊं कि जिनको पढ़ने से गम और परेशानी दूर हो जाती है और वो है अल्लाह अल्लाह रबी अल्लाह अल्लाह ही मेरा रब है मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं करता जब इंसान कसरत से इसकी तकरार करता है तो बड़े से बड़ा रंज और गम दूर हो जाता है क्योंकि नबी वसल्लम ने जो भी हमें तालीम दी है वो दरअसल अल्लाह सुबहान ने आपको दी थी और उसी की रोशनी में आपने वो तमाम चीजें हमें सिखाई इसी तरह हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पर जब बहुत गम आया बेटे की जुदाई का तो उन्होंने बंदों से शिकवा शिकायत नहीं की बल्कि क्या कहा इन नम अश्कू बस्ती इन नमा अश्कू बेशक मैं शिकवा करता हूं बसनी व हुनी अपने रन गम का इ अल्लाह सिर्फ अल्लाह की तरफ और हकीकत यह है कि जब इंसान ऐसी हालत में अल्लाह की तरफ रजू करता है तो अल्लाह सुबहान तला अपने गैब के खजानों से उसकी मदद करता है और उसको तन्हा नहीं छोड़ता उसको थाम लेता है लफ से अल्लाह के साथ पुकारना दुआओं की कबूलियत का जरिया बनता है एक और रिवायत से हमें पता चलता है अब्दुल्लाह बिन बुरादा असलमी अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को दुआ में पुकारते हुए सुना अल्लाहद तो आपने फरमाया कसम तो है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है इसने अल्लाह के इस नाम के साथ दुआ की है जिसके साथ दुआ की जाए तो कबूल की जाती है और अगर सवाल किया जाए तो अता कर दिया जाता है यानी बंदा अपने रब से जो कुछ मांगता है रब उसे अता करता है तो जो शख्स अपने इलाह हकीकी को पहचान लेता है फिर वो उसी से मांगता है और उसी की इबादत करता है इया का व ईया का वो उसी की इतात और बंदगी के लिए उसी को राजी करने की कोशिश करता है और अगर उसको राजी करने में किसी और को नाराज भी करना पड़े तो वो उससे डरता नहीं क्योंकि जो अल्लाह को राजी करता है अल्लाह सुबहानु ता उसकी हिफाजत करते हैं और जो बंदों को राजी करने के लिए अल्लाह को नाराज कर देता है फिर अल्लाह ताला उसे बंदों के हवाले कर देते हैं हमारे लिए बहुत अहम है कि हम अपनी पूरी जिंदगी

उसका कोई शरीक नहीं मुझे इसी बात का हुक्म दिया गया है और मैं सबसे पहले फर्मा बरदार हूं सबसे पहले मुसलमान हूं यानी किसी भी किस्म की इबादत खावजानी जानी हो या माली हो जिंदगी का कोई भी काम हो सब का सब अल्लाह की रजा के लिए होना चाहिए जैसा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने आप को अल्लाह के सपुर्द किया था अल्लाह की इताअत की थी इबकाल रब्बू असलम قال العالمين. जब उसके रब ने कहा कि तुम अपने रब के हवाले कर दो अपने आप को तो उन्होंने क्या कहा कि मैं रबालमीन का फर्मा बरदार हो गया ऐसा ही दीन दरअसल अल्लाह का मतलूब दीन है कि बंदा अपने आप को अल्लाह के हवाले करे उसी का फर्मा बरदार बन जाए उसी का इताद गुजार बन जाए इर्शाद बारी ताला है वो मन अहसन उससे अच्छा दीन किसका हो सकता है لله, जिसने अपना आप अल्लाह के हवाले कर दिया अपना चेहरा अल्लाह के लिए ताबे कर दिया उसके आगे झुक गया उसकी बात के आगे उसके हुक्म के आगे वह वो मोहसिन और वह मोहसिन भी है हर काम को बहुत अच्छी तरह करने वाला है वो तबाह मिलत इब्राहिम हनीफा और उसने मिलत इब्राहिम की पैरवी की अल्लाह, और अल्लाह ने इब्राहिम को अपना दोस्त बना लिया तो जो शख्स अल्लाह की इतात और फर्मा करता है, वो अल्लाह का खास बंदा बन जाता है और जो अल्लाह का खास बंदा होता है वो दुनिया में सबसे ज्यादा खुशकिस्मत होता है क्योंकि उसे दुनिया के किसी बड़े का फेवर नहीं अल्लाह का फेवर और अल्लाह सुबहान तला की रहमत और बख्शिश और इनायत और रजा उसको हासिल हो जाती है और इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है उस शख्स के लिए जो अल्लाह को अपना रब मानता हो इसीलिए ऐसा बंदा जब रात को सोने लगता है तो अपना सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द कर देता है और यूं अल्लाह सुबहान आगे आज़ज़ी और फरियाद करता है अल्लाह असलम तु नफसी वह वजह तो वजह इलेक वक अमरी वो अल्जा जहरी इग बतन कारे सपुर अपना चेहरा तेरी तरफ कर लिया अपना मामला तेरे से पुर्द कर दिया जितनी भी परेशानियां गम और हम है सब तेरे हवाले कर दी तू तो ही उनकी बेहतरीन टेक केयर करने वाला है अपने आप को तेरी तरह मुतव किया तुझी पर भरोसा किया तेरी तरफ रगबत और तेरी खौफ की वजह से तेरे सिवा कोई जाए पनाह नहीं मैं तेरी किताब पर, लाया जो नाजिल की। तेरे पर लाया जो तूने ही भेजा ऐसा शख्स अगर रात को फौत हो जाता है तो वो फितरत पर होता है इस्लाम पर होता है अल्लाह के इस फरमान के ताबे होता है कि उसका सब कुछ अपने रब के लिए है और अगर वो सुबह करता है तो हदीस में आता है कि ऐसा शख्स खैर पर भलाई पर सुबह करता है हकीकत यह है कि जो लोग अल्लाह को पहचान लेते हैं वो सबसे बढ़कर अल्लाह से मोहब्बत करने वाले होते हैं और यही उनके ईमान का तकाज़ा होता है। वो, है वो लोग जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह की मोहब्बत में सबसे ज्यादा शदीद होते हैं नबी सल्लाम ने फरमाया तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसे अल्लाह और उसके रसूल दूसरे सब लोगों से ज्यादा महबूब ना हो जाए ऐसे लोग सिर्फ मोहब्बत ही नहीं करते वो अल्लाह से डरते भी हैं और जो अल्लाह से डरते हैं फिर वो लोगों से नहीं डरते और जब वो अल्लाह से डरते हैं तो अल्लाह के डर से फिर वो अल्लाह की नाफरमानी के काम छोड़ देते हैं फिर उनकी मोहब्बत और उनकी नफरत भी अल्लाह ही की खातिर होती है फिर वो अल्लाह को कसरत से याद करने वाले होते हैं और इस हुक्म पर अमल करने वाले लोग जो ईमान ले आए हो अल्लाह का जिक्र करो अल्लाह को याद करो कसरत से याद करना सब बुकरला और सुबह शाम उसकी तस्वीर बयान करो ऐसे ही लोग सबसे आगे निकल जाने वाले हैं ऐसे ही लोग सबसे आगे बढ़ जाने वाले हैं और उन्हीं का अंजाम बेहतरीन है नबी सल अल्लाह वसलम ने फरमाया वर्रदून सबकत ले गए लोगों ने पूछा अल्लाह के वसल्लम वो कौन है आपने फरमाया अल्लाह का बहुत ज़्यादा जिक्र करने वाले मर्द और, और औरतें अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल कर ले जो सबसे ज्यादा उसको याद करने वाले हैं क्योंकि इसी में दिलों का इत्मीनान दिलों की राहत और आखरत की कामयाबी है रब्बिल आलमीन انت القاهر يا الله انت الحسيب يا الله انت الشافي يا الله انت المبين يا الله انت الوكيل يا الله انت القيوم يا الله انت المتين يا الله انت السبوح يا الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله बिस्मिल्लाक वरहमल वरक डर स्टूडेंट्स माई डर सिस्टर्स मेहन मैं आप सबको आज के सेशन में वेलकम करती हूँ और कसीरा, प्यारी इतने खूबसूरत अंदाज में हमें अल्लाह सुबहन तला के नाम सिखाने के लिए और आप देखिये वही बात है कि एक मजलिस में जब हम कोई भी चीज सीखते हैं ना तो उसका इम्पेक्ट बड़ा स्ट्रांग होता है ऐसा ही है नमदुल्ला <coughs> <coughs> चलिए इनशाला कुछ पॉइंट्स को कुछ क्विक सा फ्रेश अप कर लेते हैं आपके टेक होम गोल के टेक होम मैसेज के तौर पे और फिर उसके बाद अपने सेशन को कंक्लूड करते हैं रसूल करीम अम्माबाद फौजबिल्लाशान रजीम बिस्मिल्लाफ़ान रहीम अल्लाह नसअलुका इल्मन नाफियन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतकब्बला ये बताइए कुछ पॉइंट्स मैंने दोनों लेक्चर्स में से आपके लिए लिए हैं जैसे और आपने अपने पास भी ज़रूर लिखा होगा क्योंकि आप देखें कि अल्लाह के नाम जो है ना वो तो की जैसे तीन तीन अकसाम है ना तो उसमें से एक किस्म जो है ना आसमा और सिफात पर ईमान है तो जितना ज्यादा हमारा अल्लाह सुबहाना तस्मा और सिफात पर ईमान मजबूत हो गए इन को भी मजबूत करेगा तो ये बताइए कि अगर हम अल्लाह ताला से ताल्लुक मजबूत करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा कोई बात जो आपको लेक्चर में से याद हो इस हवाले से कि अल्लाह ताला के साथ अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना क्योंकि अल्लाह ताला हमारा रब है उसने हमें बनाया है शाबाश इल्म हासिल करें वेरी गुड उसको उसकी सिफात से पुकारें असमा याद करें मार्फत हासिल करें असमास्ना के बारे में जाने वेरी गुड क्योंकि आप देखिए हम पर सबसे बड़ा हक हमारे रब का है उसके साथ हमारा ताल्लुक तभी दुरुस्त होगा जब हम उसे पहचानते होंगे ऐसा ही है ना यानी आप देखें ना अगर हम अल्लाह ताला को पहचानते ही नहीं तो हम अल्लाह का हक कैसे अदा करेंगे तो किसी भी जैसे हम बात के बारे में जब सोचते हैं ना कि अच्छा इसका ये राइट है इसको देना चाहिए तो वो तब होता है जब हमें एहसास होता है उसके बारे में तो जितना ज्यादा हम अपने रब को पहचानेंगे उतना हमारा हमारी बॉन्डिंग अल्लाह ताला के साथ स्ट्रांग होगी इंशाल्लाह फिर आप देखें कि एक और आपसे क्वेश्चन है कि अगर हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह हम सब का ईमान है कि अल्लाह हमारा रब है लेकिन अगर उसकी पहचान नहीं तो इससे क्या होता है फिर यानी नाम हम ईमान तो है हम सबको लेकिन हम पहचानते नहीं है अल्लाह को बिल्कुल एक तो ये कि ये चीज इंसान को मिसगाइड कर सकती है फिर आप देखें हम रोंग डायरेक्शन में जा जाते हैं हक अदा नहीं कर पाते वेरी गुड बिदात में पड़ जाते हैं ईमान में हलावत नहीं होती एक्सीलेंट क्योंकि आप देखिए अल्लाह की पहचान के बगैर ना तो हमारा ईमान मुकम्मल होता है और ना ही इसके बगैर ईमान में इजाफा मुमकिन है तो जब अल्लाह ताला पर ईमान होता है तो वो कैसे होगा कि जब हम पहचानते होंगे अपने रब को ना कि हमारा रब है कौन और फिर आप देखें कि जितना ज्यादा ईमान होता है उतना इबादत और अमल में खूबसूरती आती है ना बिल्कुल ये बहुत अच्छी आपने बात लिखी के जब पहचान नहीं होती ना अल्लाह ताला की तो हर सुनी सुनाई बात को हम समझते हैं कि यही मेरे करने का काम है लेकिन जब हमें रब की पहचान होती है उसकी मार्फत होती है तो हमारी डायरेक्शन भी सही हो जाती कि मुझे सब जाना कहाँ है करना क्या है इस वक्त जी हाँ बिल्कुल अगर अल्लाह की पहचान नहीं तो शिरक से नहीं बच सकते बहुत अच्छा पॉइंट है माशाल्लाह मुबारक कि आप देखे ना जब तक मुझे ये नहीं पता कि तोहहीद क्या है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यह शिरक है तो सबसे पहले तो अल्लाह को पहचाने तभी आप जो लोग आपको मुख्त मशवरे गलत सही देते रहते हैं तो किसका मशवरा गलत है और किसका सही है जैसे आप देखिए ना आप बहुत परेशानी में कोई आपको कहते हैं चलो फला जगह जाके सजदा कर दो उस दरख्त के आगे तो आप क्या अगर आपको अल्लाह ताला की मार्फत है तो आप क्या कहेंगे आगे से कि नहीं सजदा तो सिर्फ अल्लाह के लिए है मैं क्यों दरख्त के आगे सजदा करूं बिल्कुल नो वे एग्जैक्टली अब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस कैसे आया कि आपने दरख्त को सजदा नहीं करना क्योंकि आपको अल्लाह की पहचान है और आपको पता है कि सजदा सिर्फ एक उस रब के लिए किसी और के आगे मुझे नहीं झुकना तो अब, अब ये ना जैसे आप देखिए मुझे मैं जैसे जितना ज्यादा तोहिद के बारे में पढ़ती हूँ तो मुझे एक एहसास हमेशा दिल में बहुत मजबूत होता है कि जितना ज्यादा हमारे अंदर तोहहीद मजबूत होती है ना तो ऐसे लगता है कि आपका दिल और दिमाग जो है ना रोशन हो गया हर चीज ऐसे क्लियर आपको नजर आना शुरू हो जाती है जैसे आप देखें कि कोई मुश्किल भी आती है तो उसमें भी आपको खैर नजर आ रही होती है। आप पे बीमारी आती है आपको उसमें भी खुशी मिल रही होती है आप पे आजमाइश आती है तो आप उसमें भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ढूंढ रहे होते हैं तो ये तोहद की वजह से होता है कि आप देखें ना याकूब आसम <coughs> बेटा जो है उसको वो कह रहे हैं कि भेड़िया खा गया भाई आके और क्या उनका ईबान था कि इतनी बड़ी खबर सुन के और इतना प्यारा बेटा और वो कह रहे हैं कि अच्छा मैं सबर करूंगा और अल्लाह ताला के आगे शिकवा करूंगा तो ये कब होता है जब हमें अल्लाह ताला की मार्फत हासिल हो जाती वरना तो हम चीखते चिल्लाते हैं और हर छोटी छोटी बात को हम इशू बना लेती फिर आप देखें आज हमने अल्लाह सुबहाना तला का नाम पढ़ा था अः अल्लाह और इसके बारे में कुछ क्विक से पॉइंट्स जल्दी से देख लेते हैं इंशाल्लाह सबसे पहले तो आप देखें कि ये अल्लाह का इसमें आज़म है और कितनी सारी जैसे इसके बारे में मजे वजे की बातें हमने अल्हम्दुलिल्लाह सीखी कि एक तो आप देखें कि ये है कि अलिफ लाम इसके साथ ब्लेंड इन हो गया यानी आप उसको अलग नहीं कर सकते इससे और फिर इसी तरह यह है कि जैसे कोई भी ये नाम अपने लिए नहीं ले सकता यानी ये ऐसा खूबसूरत और जबरदस्त अल्लाह सुबह का नाम है कि किसी की जरूरत ही नहीं कि कोई इसको ले सके या अपने आप को दे सके ये नाम ये नाम सिर्फ अल्लाह ताला के लिए मखसूस है और इसमें यह बताएं कि वो आपने लिखा कि कुरानी मजीद में ये कितनी दफा आया बिल्कुल ट्वेंटी फाइव हंड्रेड से भी ज्यादा जैसे एक और बुक में मैंने पढ़ा था कि ऑलमोस्ट ट्वेंटी एट हंड्रेड एटी फाइव जो वहाँ पे नहीं सऊदी अरब में हुस्ना की वो एग्जिबिशन है ना मस्जिद नबी के साथ तो उसमें एक बुक है ना सुनता के नामों की नाम। कि तो उस बुक में जैसे उन्होंने लिखा है कि ट्वेंटी एट हंड्रेड जैसे उसका फिगर दिया लेकिन बहरहाल ये है कि अप्रॉक्सीमेट फिगर यही है कि ट्वेंटी फाइव हंड्रेड से ज्यादा दफा अल्लाह का ये नाम जो है वो कुरानी मजीद में आया <coughs> इससे फिर क्या बात पता चलती है हमें जब हम ये कहते हैं कि इतनी ज्यादा दफा आया अहमियत पता चलती है ना बिल्कुल यानी जो सबसे ज्यादा दफा कुरान मजीद में, में लफ्ज आया है वो अल्लाह है फिर इसी तरह आप देखें एक और जो मुझे बहुत ही जबरदस्त पॉइंट लगा था वो ये था कि नमाज के हर रुकन में ये नाम लिया जाता है सुबह अल्लाह यानी आपने इस बात पे जरा गौर किया आप नमाज शुरू कर रहे हैं अल्लाह अकबर यानी हर स्टेप में नमाज के हम लफ्ज अल्लाह सुबहान तला का नाम जो अल्लाह है वो बोलते हैं तो आज जब इन ताला आप नमाज में बोलेंगे तो आपने उस पर ज्यादा तवज्जो देनी है कि अल्लाह ताला का कितना प्यारा नाम है कि बार बार यानी नमाज में मैं हर स्टेप में इस नाम को बार बार रिपीट कर रही हूँ बिल्कुल दिन का आगाज इसी तरह एग्जैक्टली exactly. फिर इसी तरह आप देखें कि दिन के मुख्तलिफ अवत में सुबह से रात तक यही इसम जलाला बार बार लिया जाता है यानी आप देखें खाना खाने से पहले हम क्या कहते हैं फिर इसी तरह आप देखें सुबह जब आप जागते हैं तब भी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इसी तरह आप जब किसी अच्छी चीज को देखते हैं तो आप क्या कहते हैं सुभान या हम कहते हैं इनशाला माशा सोते वक्त जागते बिल्कुल तो आप देखिए कि दिन में बार बार हम अल्लाह ताला का नाम लेते हैं लेकिन अब क्या है कि ले तो रहे हैं लेकिन ईमान नहीं बढ़ता तो उसकी क्या वजह है कि पहचान और मार्फत नहीं है ना, तो इसलिए इंशाल्लाह अब शूर के साथ अल्लाह तला का नाम ले और ये सारी बातें जो आज हमने सीखी इनको बार बार आपने जहन में लाना है कि अल्हमदुल्ल अल्लाह का कितना शुक्र है कि मैं दिन में बार बार अपने रब को याद करती हूँ अलहमद फिर आप देखें कि इस नाम के बहुत सारी बरकतें भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि ये नाम सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि रब की पहचान भी और हमारे दिल और रूह की जिंदगी भी है मसलन जैसे तकलीफ के वक्त आप क्या कहते हैं तो आपकी तकलीफ दूर हो जाती है क्योंकि एक दुआ भी है ना और उसमें तीन दफा आप कहते हैं बिस्मिल्लाह या अल्लाह अल्लाटली exactly. जो भी आप कहें लेकिन जो एक आ, आयात शिफा में एक दुआ है आ, बिस्मिल्ला, बिस्मिल्ला, बिस्मिल्ला और फिर वह कुदरतीजिदाजिर अल्लाह अल्लाह रबी और फिर आप देखें इसी तरह आप जब घर में दाखिल होते हुए अल्लाह का नाम लेते हैं तो फिर क्या होता है आपके साथ शैतान नहीं आएगा फिर जिस खाने पे आप अल्लाह ताला का नाम लेते हैं तो उससे क्या होता है खाने से पहले आपने ले लिया अल्लाह का नाम शैतान दूर हो गया उस खाने में बरकत होगी बिल्कुल यानी अल्लाह का नाम जो है किसी भी काम से पहले लेना उसमें बरकत ले आता है जैसे ना मुझे याद है हम लोग छोटे थे ना तो कभी भी गिरने लगे तो हमारी मम्मी कहती थी बिस्मिल्ला तो हम लोग ना इतना हंसते होते थे हम कहते थे हम गिरने लग लगे और अम्मी कह रही है बिस्मिल्ला यानी गिर जाओ इसका मतलब हालांकि <laughs> ये सुन्नत भी है हम लोग तो वैसे छोटे थे तो पता नहीं था कि ये सुन्नत है लेकिन ये है कि जब भी ठोकर लगे और आपके यहाँ बिस्मिलना तो शैतान जो ना मक्खी की तरह उड़ जाता है इतना जलील हो जाता है क्योंकि शैतान आपको क्यों ठोकर लगाता है ताकि आपके उफ और आप जिस चीज से आपको ठोकर लगे आप उसको बुरा भला कहें ना लेकिन जब आप कहते हैं ना बिस्मिल्लाह तो मक्खी की तरह उड़ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल और फिर आखिरी बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ये हदीस है और इसका रेफरेंस ही मैंने आपके लिए ढूंढ लिया सही मुस्लिम की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुफरदून सबकत ले गए सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लम्दून कौन है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह का बहुत जिक्र करने वाले मर्द और बहुत ज्यादा जिक्र करने वाली औरतें <coughs> यानी औरतें भी अगर अल्लाह के जिक्र ज्यादा करेंगी तो वो भी मुफरिदून में आ जाएंगी इंशाल्लाह तो अल्लाह से दुआ है कि वो हमें अपना जिक्र और कसर जिक्र कसरत से करने की तौफीक अता फरमाए आमीन सुमा आमीन जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा माय डियर स्टूडेंट्स माय डियर सिस्टर्स आप सबकी पार्टिसिपेशन के लिए इन आप लोगों से कल मुलाकात होगी दो नए नामों के साथ अपना ख्याल रखिएगा सुबह असला वरक मेरा नाम शाजिया नवाज है सॉरी आज मैं वो एडमिन की आई डी से आई तो नाम नहीं नजर आ रहा आपको ठीक है चलिए चलिए इनशाला फिर आप कल मिलेंगे आपसे اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي